अभी जो डिश बना रहा हूँ ना वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें जो मार्केट में नहीं मिलती वो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप एक्साइटेड हो, बोले कि यार ये तो नहीं मिलती, ये तो बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया है, यहाँ पे दूध गर्म करने रख दिया है और दूध को बढ़िया गाढ़ा, बहुत गाढ़ा करने रख दिया है यहाँ पे। ये देखिए लगभग एक लीटर दूध को बिल्कुल 400 ml तक कर देना है, मतलब आपने बिल्कुल गाढ़ा। और मैं बना रहा हूँ कीवी कलाकंद और उसके लिए मुझे कीवी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। कीवी ले लेते हैं और कीवी को पील कर लेते हैं, ये लीजिए, और इसे पील कर लेते हैं। अब ये जो कीवी है बिल्कुल प्यूरी कर लेता हूं, और प्यूरी के लिए हेलो जी थोड़े छोटे पीसेस में काट लिए, ये लीजिए, और ये लीजिए, अब ये कीवी प्यूरी तैयार। बढ़िया, नेक्स्ट स्टेप के लिए दूध है, देखिए बढ़िया मलाई वगैरह सब जम जाए, टेंशन ना ले। और ये देखिए दूध बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा। अगर आप हलवाई के दुकान में जाते ना तो शायद वो कहता कि नहीं नहीं ये कलाकंद में दाना दाने मतलब ज़्यादा हो गए। अच्छी मैं ना घर पे लोग कैसे बनाएं वो दिखा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ी सी टाटरी ये डाल लेता हूँ चुटकी भर, ताकि दाने फॉर्म हो जाए और दूध हल्का सा सेपरेट हो जाए। और अब आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है कि अब इसमें मैं पनीर क्रम्बल करके डाल दूंगा। बिल्कुल ये जो पनीर है ना इसे अच्छी तरह से मसल लूंगा, ये लीजिए मसल के डाल दीजिए। बिल्कुल अब मैं ये मिला लेता हूँ अच्छी तरह से, और बढ़िया ताज़ा कीवी की प्यूरी, ये लीजिए ये जो बड़े बड़े पीसेज है ये निकाल लेता हूँ। और कीवी डालने के बाद इमीडिएटली आप देखेंगे कि दूध और फटने लगेगा। थोड़ी थोड़ी शक्कर भी डालते रहेंगे, पाउडर्ड शुगर, बिल्कुल, क्योंकि शक्कर डालेंगे ऑटोमेटिकली फिर से ढीला हो जाएगा मिक्सचर ये। अब इसे तब तक पकाएं जब तक कि मॉइस्चर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए और ये मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, जैसे कलाकंद का मिक्सचर कैसे होता है। और उसके लिए कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, आपको चलाते रहना है कंटिन्यूसली। अब ये देखिए बिल्कुल कैसे गाढ़ा हो गया और दानेदार भी है, चलाते रहना है कंटिन्यूसली वरना लग जाएगा। और बिल्कुल गैस बंद, और मैंने क्या किया है एक क्लिंग फिल्म, जो पतली वाली फिल्म आती है ना वो लेके उसमें पिस्ता डाल लेते हैं, ये लीजिए, और ये पिस्ता डाल के ये जो हमने बनाया है ये लीजिए ये सारा इसमें डाल लिया। और ये देखिए ये थोड़ा सा ये लीजिए ये बिल्कुल मिक्सचर तैयार, लेकिन खा नहीं सकते आप इसको, इसे पहले रूम टेम्परेचर पे लाइए उसके बाद रेफ्रिजरेट करिए। थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ी मेहनत की है ना, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे लाना है, लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पकड़ के देखेंगे आप, देखेंगे अब ये गर्म नहीं है तो ठंडा हो गया, फिर इसके बाद फ्रिज में रखेंगे 6 घंटे तक या ओवरनाइट, और उसके बाद अगले दिन। ये क्लिंग फिल्म इसीलिए कि पलटेंगे तो सब कुछ आसानी से पलट जाएगा। इसी तरह से बनाएंगे आप घर पे और मज़े लेंगे, और फिर सारा परिवार वही बोलेगा जो मैं बोलता हूँ, भाई क्या बात है मज़ा आ गया।